to my channel. This is me, Vanya Sharma, and today is Sunday. And because of Sunday, मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मेरे घर का काम कैसा चल रहा है. Because weekdays में तो मेरा ऑफिस रहता है तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता टू रिकॉर्ड एवरीथिंग कि हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन. बट आज संडे है, आज मैं पूरी तरह से फ्री हूँ. मैंने ऑयलिंग भी कर रखी है बालों में अपने, और मैं दिखाती हूँ काम चल रहा है. मैंने अभी तो मेरे रूम से स्टार्ट हुआ है, मतलब सारे जो मैंने स्ट्रक्चर थे वो मैंने बताया था बन चुके हैं. अब मेरे जो मतलब रूम में माइका का काम स्टार्ट हो चुका है, तो आज मैं दिखाती हूँ आपको कि माइका का काम कैसा चल रहा है यहाँ पे. आई होप, बिकॉज इट्स अ ह्यूज मेस. काइंड ऑफ एडजस्ट, बहुत ज़्यादा घर मेसी हो रखा है. मतलब कह नहीं सकती मैं, वो शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी कि कितना मेसी है घर. पर लेट्स सी, जब ये फिनिश हो जाएगा तो ये एक्चुअली अच्छा लगेगा. I'm showing you how the work is going on. तो अभी ये फर्नीचर का काम थोड़ा सा कंप्लीट हो चुका है. अभी मेरे रूम का स्लाइडर है और ये अभी भैया पल्ले फिक्स कर रहे हैं इसके. ये रहा गौरव. आई गेस इसमें अभी ऑलमोस्ट दो दिन का काम हो रहा है सिर्फ एक रूम में, बट पूरे घर में अभी एटलीस्ट 25 डेज का काम है एज पर देम. सो लेट्स सी इसके बाद इसमें कौन सा फाइनल लुक आने वाला है. बिकॉज अभी तक तो मैंने जो अपनी माइका की सिलेक्शन करी है दैट इज ऑफ रोज गोल्ड एंड ब्लैक. सो आई विल शो यू दी फाइनल टेक्सचर जब एक बार इसे माइका शीट चढ़ जाएंगी. ये है आरिफ भैया जिन्होंने मेरी सारी डिज़ाइनें ख़राब करी है. कुछ भी मेरे मन मुताबिक नहीं बनाया है. तो दोस्तों, अगर आपको कभी भी ज़िंदगी में फर्नीचर का काम करवाना है तो इनसे बिल्कुल ना करवाएं. वो देखो उनके लेबर भी हंस रहे हैं सुन के. नहीं, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस इजी इजी काम करेंगे जो उनको अच्छा लगेगा. काम सब बढ़िया करेंगे लेकिन अपने मन मुताबिक. जो वो पिंक टॉप था ना जो रखा था, तो ये रोज गोल्ड वाला फिक्स हो चुका है. और अब भैया जो ये फेविकॉल लगा रहे हैं इस पर वो लगाएंगे ब्लैक कलर का बॉर्डर. एक्चुअली मैंने इस पर दो शेड चूज करे थे, एक ये रोज गोल्ड और बीच में ब्लैक बॉर्डर लाइन को. सो लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक. सो दिस सेकेंड शीट हैज़ ऑल्सो बीन पेस्टेड. और अभी इस बचे वाले में वापस से भैया रोज गोल्ड लगाएंगे. बीच में बस एक बॉर्डर लाइन दी है उन्होंने ब्लैक शीट का. और आई और सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ द डोर. मतलब अभी तो ये सिर्फ पेस्टिंग चल रही है. आई गिव यू दी यू नो फाइनल पिक्चर एट दी लास्ट, एक बार जब ये पहले रूम हो जाए. सो अब ये पेसिंग चल रही है एंड दिस शेड इज सीरियसली अमेजिंग. मेरे को लग रहा था कि मतलब मैं ये शेड कन्फ्यूज हो रही थी क्या चूज़ करूँ क्या चूज़ करूँ, बट देन नाउ आई एम लाइकिंग इट. जो भी मैं चूज़ करी बहुत बढ़िया चूज़ कर रही हूँ. सो दिस इज दी स्ट्रक्चर जो मेरे रूम का बना हुआ है. अभी ऊपर उन्होंने ड्रॉर्स दिए हुए हैं
साथ ही नीचे ये शेल्फ हैं दो बड़े बड़े हैंगिंग स्लॉट के लिए, और वो साइड शेल्फ है कुछ माइनर से सामान रखने के लिए। तो अभी आप देख सकते हो थोड़ा सा मेसी है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। मैं आपको दिखाऊंगी बिफोर और आफ्टर वाला वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी, बिकॉज लोगों ने बोला हुआ है कि प्लीज़ बिफोर आफ्टर वीडियो आप शूट ज़रूर करिएगा। सो ये LED पैनल का है, क्योंकि अभी तो हमारा टीवी हमने ऐसे रख दिया है फॉर टाइम बीइंग। सो यहाँ का जो माइका है अभी उस, मतलब जो यहाँ का प्लाईवुड है उसमें अभी माइका पेस्टिंग के लिए वो ले गए हैं बाहर। सो ये वापस से इसी वॉल पे पेस्ट कर देंगे कील से, ठोक देंगे कील से। सो दिस इज लुकिंग लाइक दिस। आई एम जस्ट प्रेइंग कि जल्दी से ये काम हो जाए, बिकॉज इतना मेस हो रखा है ना पूरा घर। अब देखो कि मेरे कर्टेन सब इतने गंदे हो गए, धूल मिट्टी से पूरा भर चुका है।